हिंदुस्तान आज से 200-300 साल पहले इट वॉज अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इट वॉज अ कंट्री ऑफ पीपल हु वर इन टू बिजनेस. और 17वीं सदी में हमारा पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीब्यूशन था एज फार एज आर बिजनेस इज कंसर्न, हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में हमारा कंट्रीब्यूशन 22% था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर आज की हम बात करें जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसमें वी आर अ 2-2.5%, हम 22% से 2.5% पे आ गए. और उसका अगर सबसे बड़ा शेयर देखोगे तो जो हम बात करते हैं यू गो बैक 100 या 200 ईयर्स बैक, तो बोलते ना अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने विभाजन किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी निकाली. आई थिंक उससे बड़ा उन्होंने एक और प्रहार किया हमारे देश पे जो हमें समझ नहीं आया. उन्होंने अपना एक एजुकेशन सिस्टम डाला. एवरी कॉलेज, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आर्ट्स कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो, चाहे वो एक मैनेजमेंट कॉलेज हो, एवरी कॉलेज इज प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स जो बाहर सिर्फ नौकरी ढूंढेंगे. दैट्स व्हाट दिस कंट्री इज इनटू. तो ऐसे लाखों बच्चे निकल रहे हैं एंड देर ऑल जॉब सीकर्स. इसमें भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ये है दैट द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन किल्ड. नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं, नौकरी इज गुड. अगर सभी बिजनेसमैन बन जाएंगे नौकरी कौन करेगा? बट द स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जो हमारी देश की स्पिरिट थी वो स्पिरिट कहीं खो गई. इस देश को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जिनकी आत्मा उद्योजक की हो. काम आप उद्योजक आप करो ना करो चलेगा, लेकिन आत्मा उद्योजक की होनी चाहिए. सो व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट यू हैव अ लेबल हियर. आपके माथे पे एक लेबल लगा होना चाहिए, द बक स्टॉप्स हियर. अंतिम पड़ाव मैं हूं, अंतिम पड़ाव. अभी मेरे ऊपर कोई पड़ाव नहीं. आप अपने शरीर को देखोगे, द बक स्टॉप्स हियर. कोई मुझे नहीं बताएगा मेरा शरीर कैसे होना चाहिए. आप अपने रिश्तों को देखोगे, द बक स्टॉप्स हियर. मेरे रिश्ते कैसे होंगे मैं डिफाइन करूंगा. मुझे कोई नहीं बताएगा रिश्ते सुधार ले. मैं उद्योजक हूं, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. मेरा काम कैसे हो कोई मुझे टोकना नहीं चाहिए. द बक स्टॉप्स हियर. आई विल टेक केयर ऑफ माई जॉब एंड आई विल डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अगर हर एक काम में, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो काम हो, चाहे सेहत हो, चाहे वो देश के प्रति कुछ काम करना हो, अगर हर एक नागरिक, हर एक इंसान एक एंटरप्रेन्योर के माफिक जिए कि ये मेरे ऊपर, मैं किसी और पर ब्लेम डाल नहीं सकता, मैं किसी और को इसको इल्जाम दे नहीं सकता, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं खुद अपनी जिंदगी तय कर सकता हूं, दैट इज द स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर.